दोस्तों, रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट करना ना भूलिएगा। इस बार की जो वैकेंसी निकल के आई है वो इंडियन रेलवे की तरफ से निकल के आ रखी है। तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने भर्ती निकाली है, जो आप देख रहे हो स्क्रीन में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन होने वाला है। तो ये अप्रेंटिस के लिए जॉब पोस्ट होने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक से लेकर के 25 अलग अलग जॉब पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, क्या एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, यहाँ पे आपको सारी डिटेल के बारे में आपको बता दिया जाएगा। वहीं अगर आप चैनल में नए हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आप गूगल में जाइए और सर्च कीजिए www.nowlet.in। जैसे आप इसको गूगल में लिखेंगे आप मेरी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे 432 पोस्ट निकल के आ रखी है। और अगर आपको भी अप्लाई करना है, अगर आप भी जाना चाहते हैं रेलवे में, तो ये अच्छा मौका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 432 होने वाली है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होने वाला है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, जिसका स्टार्टिंग डेट होगी 11 सितंबर 2021 से और लास्ट डेट होने वाली है 10 अक्टूबर 2021 की। वहीं अगर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हो तो हो जाइए, वहाँ पे भी आपको भर्ती की अपडेट मिलती रहेंगी रोजाना। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में, तो कोपा के लिए वैकेंसी है स्टीनोग्राफर इंग्लिश, स्टीनोग्राफर हिंदी, फिटर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी मैकेनिक, वेल्डर, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक, टर्नर, शीट मेटल वर्कर, ड्राफ्टमैन, सिविल, गैस कटलर, ड्रेसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लेबोरेटरी कैटोलॉजी, एंड यहाँ पे और भी अलग अलग जॉब पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है, जरूर से अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, अगर आप सिंपली 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने ITI कोर्स भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक जॉब पोस्ट के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किसी के लिए 10वीं पास, किसी के लिए ITI भी मांगी गई है। तो एक बार आप नोटिफिकेशन में एक बार जरूर पढ़िएगा, उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे नोटिफिकेशन में। लेकिन उससे पहले मैं सैलरी के बारे में बात कर दूँ, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो क्या ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। जॉब लोकेशन भी आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो इस जॉब पोस्ट के लिए एज लिमिट होगी 15 साल की मिनिमम एज और 24 साल की मैक्सिमम एज होने वाली है। बाकी अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी ST SC कैंडिडेट्स को, 3 साल की कैंडिडेट्स की छूट मिलेगी, 3 साल की OBC कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी और 10 साल की छूट मिलेगी एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट्स को। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होने वाला है। सिंपली आपकी 10वीं के बाद मार्कशीट या ITI की मार्कशीट में जितने भी मार्क्स आए उसके बेसिस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद डायरेक्ट आपको मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री फॉर्म होने वाला है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पड़ने वाली है। ये बहुत ही अच्छा फॉर्म निकल के आ रखा है, जो भी कैंडिडेट्स अगर रेलवे में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट होगी 11 सितंबर और लास्ट डेट होने वाली है 10 अक्टूबर की। अगर आपको भी अप्लाई करना है तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप नोटिफिकेशन और डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई लिंक जो होगी 11 सितंबर को एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करके अप्लाई कर सकेंगे। नोटिफिकेशन तो मैंने आपको दिखाई दिया था दोस्तों, तो ये रहा इनका नोटिफिकेशन और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पहले कवर करके बता दिए। फिर भी अगर आप एक बार जरूर नोटिफिकेशन खुद से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रोजाना अपडेट्स के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वैकेंसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।